आप सब पहले से होंगे, मेरा नाम शेख उमेर और आज मैं मौजूद हूँ नीलम वैली का बहुत ही खूबसूरत सा गांव लवाद बला। तो मैं आज आपको यहाँ का व्यू चेक करवाता हूँ। यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा है और आपको पीछे देख रहे होंगे, आपको पहाड़ पे जो है पीछे बर्फ़ भी दिखेगी। ये मई का महीना है और माशाल्लाह यहाँ मौसम बहुत प्यारा है, हवाएँ ठंडी चल रही हैं और बिल्कुल भी आपको जो है यहाँ सर्दी नहीं लगेगी, वो गर्मी नहीं लगेगी। तो मैं अभी आपको यहाँ के मनाज़िर चेक करवाता हूँ। अभी यहाँ चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, यहाँ का मौसम इंजॉय करें, यहाँ का व्यू इंजॉय करें। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि आप पहले आएंगे मुजफ्फराबाद, मुजफ्फराबाद से आप अठमकाम आएंगे, अठमकाम से आगे किरण बाईपास आएगा, किरण बाईपास से ऊपर ये जो है लवाद बला का गाँव आएगा। और ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ रत्ती गली झील आ जाएगा और ये लवाद बला का गाँव है। इससे पीछे की तरफ आप जाएंगे तो ब्याड़ी आएगा, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। और ब्याड़ी से थोड़ा सा आगे जाएंगे किलुआ आएगा, वो भी बहुत खूबसूरत सी जगह है। उससे बैक साइड की तरफ जाएंगे तो वहाँ आएगा कुनाली। कुनाली वाटरफॉल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। और कुनाली से आप बैक साइड की उस तरफ जाएंगे तो वहाँ आपको पतलियाँ मिलेगा। पतलियाँ बहुत खूबसूरत सा गांव है और इसके अलावा वहाँ बहुत अच्छी सी खूबसूरत सी झील है, पतलियाँ झील। तो आप ज़रूर यहाँ आएँ और यहाँ का मौसम इंजॉय करें। इंशाल्लाह आप यहाँ आएँगे तो आपकी तबीयत जो है वो खुश हो जाएगी। बाकी मैं मनासिर आपको मज़ीद और दिखाता हूँ। ये मेरे इस साइड पर आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही खूबसूरत सा दरिया है। ये सारा जो पानी दरिया का आ रहा है सारा ग्लेशियर का पानी है। जितना पिछले साल की जो बर्फ़ पड़ी थी, ग्लेशियर जो वगैरह थे वो मेल्ट हो रहे हैं। अभी जो सारा पानी जो आ रहा है उनका है। पानी का ज़ोर भी बहुत तेज़ इसका। और पीछे आप देख सकते हैं आपको बर्फ़ भी दिखेगी। ये मई का महीना है और आपको बर्फ़ भी यहाँ देखने को मिलेगी। अगर आप ब्याड़ी की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको ग्लेशियर वगैरह भी मिल जाएंगे। ब्याड़ी से आगे जाएंगे तो वहाँ भी आपको ग्लेशियर वगैरह मिलेंगे। बाकी यहाँ का मैं आपको दरिया चेक करवाता हूँ। अच्छा, बाकी ये दरिया चेक करें आप, कितना दरिया, इतना ठंडा पानी है कि यहाँ आप जो है एक मिनट तक पाँव या हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि सारा पानी जो है ग्लेशियर का है। और इस तरफ ये देखेंगे आता ही वहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ से खजरी वगैरह ये रेत वगैरह निकालते हैं, रेत निकाल। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, कितना मकान बने हुए हैं। सारा काम जो है यहाँ लकड़ी का होता है, तकरीबन सारे घर जो है वो लकड़ी के बने हुए हैं। और इनके ऊपर छत लगी हुई होती है ताकि बर्फ़ जो है बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है ताकि बर्फ़ जो है वो नीचे गिर जाए। तो यहाँ बहुत ही अच्छे से नज़ारे हैं, सामने आप देख करें मतलब घूम रही है, इतने धंधे से बने हुए हैं। आप यहाँ ज़रूर आएँ और यहाँ का मौसम इंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ आएँ तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। बाकी ये जो दरिया देख रहे हैं आप, पहले ये बिल्कुल सूखा सा दरिया था, तो काफ़ी टाइम पहले ये फ्लड आया था। तो फ्लड की वजह से जो है पूरा रोड जो है वो ख़राब हो गया और काफ़ी सारा फ्लड आया था। ये पहला पुल था सामने मेरा, तो ये सारा फ्लड की वजह से पत्थर वगैरह आप देखते होंगे सब फ्लड की वजह से आएगा। अभी यहाँ से आप आगे जाएंगे तो ब्याड़ी आएगा, ब्याड़ी से आगे जो है वो कुनाली आएगा, कुनाली से इस तरफ जो है वो पतलियाँ आएगा।
ये दोनों गांव जो है बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ आप आएंगे तो आपका जो है वो दिल खुश हो जाएगा। और ये जो इलाका है ना, यहाँ जो है 3 से 4 महीने ये बर्फबारी की वजह से बंद हो जाता है, बिल्कुल रोड वगैरह बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आपने यहाँ आना है तो आप आएंगे अगस्त सितंबर जून जुलाई अगस्त तक आप इन मौसम में आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा सा लगेगा। बाकी आप दिसंबर में आएंगे तो यहाँ आप ना आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रोड ब्लॉक वगैरह हो जाते हैं तो आपको जो है काफ़ी मुश्किल का सामना पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारा गाँव कैसा लगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।